उत्तर भारत में खासकर ब्रजभूमि में टेसु झेंजी का जो पर्व है वो बेहद फेमस है और ये पर्व महाभारत काल से चला आ रहा है। इसके इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि टेसु जो उस समय भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, बेहद शक्तिशाली थे और महाभारत में वह पांडवों की तरफ से, यानी कहा जाता है कि जो सेना हारने वाली है उसकी तरफ से वो लड़ते थे, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने उस समय बर्बरीक का सर मांग लिया। तो उन्हें डर था कि कहीं पांडव इस युद्ध में, महाभारत के इस युद्ध में हार न जाए, और उनका जो सर था वो तीन डंडियों के सहारे एक पहाड़ पर, पर्वत पर रखा गया, जहाँ से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। लेकिन आज भी हम सदियों से उसी टेसु और झेंजी के पर्व को मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन आधुनिकता की दौड़ कहें या फिर बड़े होने की होड़, टेसु और झेंजी के इस खेल को लोग थोड़ा भूलते जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ बच्चे 5 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार के लिए घर घर जाकर पैसा इकट्ठा करते थे, अनाज इकट्ठा करते थे और अंत में पूर्णमासी के दिन टेसु और झेंजी का विवाह संपन्न किया जाता था, लेकिन इस पूरे खेल पर अब महंगाई की मार भी है। जब हमने टेसु और झेंजी से जुड़े कारोबारियों और लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले तालाब हुआ करते थे, कच्ची जगह थी, वहाँ से हम मिट्टी लाते थे, लेकिन अब तालाब ही नहीं रहे तो अब मिट्टी अब कहाँ से लाएं? मिट्टी दूसरे राज्यों से आ रही है और मिट्टी के महंगे होने की वजह से अब जो टेसु और झेंजी हैं उनकी लागत पर भी असर पड़ रहा है। पहले 3 से 4 फुट के टेसु बनाए जाते थे जो लोग खरीदते थे भी, और लगभग 3 से 4 हज़ार का भी टेसु बनाया जाता था, लेकिन अब लोग महंगाई के चलते टेसुओं की जो खरीदारी है वो बेहद कम कर रहे हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा। कम से कम हमें 10-15-20 साल हो गए इस काम को करते करते, और ये समझ लो मतलब ये है कि टेसुओं का अब तो ये ना के बराबर रह गया, थोड़ा सा रुपए में एक चवन्नी पर रह गया है, क्योंकि ये महंगा, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। मिट्टी है नहीं, मिट्टी कहीं से भी मतलब पैदा नहीं है, मिट्टी से बर्तन भी बनना बंद हो गए मिट्टी में, या अगर ये घड़ा भी लोगे ना तो वो भी 100 रुपये का करीब पड़ता है। इसलिए टेसु पर दिन पर दिन पैसे भी बढ़ रहे हैं, सामान पर बढ़ रहे हैं, मिट्टी पैदा नहीं है, मिट्टी चौगनी कीमत में आ रही है। फिर मिट्टी मिट्टियों में मकान बन गए, तालाब बन गए, और ये मतलब जहाँ से आती थी मिट्टी वो ख़त्म हो गई जगह, अब तो जो जाना कहा दूर दूर से आ रही है लेकिन वो चौगनी रेटों में आ रही है मिट्टी। इसलिए तालाबों से आती थी, अब तालाब नहीं रहे, अब तालाब ही नहीं रहे हैं, ना वो खोदने का वो रहा, खदान रही हैं वो खोदते थे जी, अब तो जहाँ से जैसे अब मिल गई मिट्टी दूर से आ रही है वो महंगी मिट्टी आ रही है, इसलिए समस्या बड़ी खड़ी हो गई है। मार्केट कैसा है इस बार? मार्केट तो ना के मतलब ये समझ लो आधा रह गया मार्केट, बच्चे लेते हैं लेकिन ये है कि महंगा होने के कारण बच्चे थोड़े बहुत छोटे छोटे से काम चला लेते हैं, और पैसे तो हर जाति में ये टेसु की प्रथा चली आ रही है, बहुत पुरानी चली आ रही है, हमारे देखते हुए तो कम से कम 50 साल हो गई, 50 साल से टेसु की प्रथा चली आ रही है हमारे उसमें, लेकिन इससे ही पहले चली आ रही थी। पहले बहुत बड़े बड़े टेसु बनते थे, 4-4, 5-5 फुट के बनते थे, उनको बड़े गा बजा के बड़े साज सज्जा से निकालते थे लोग, आग मतलब से पटेबाजी भी करते थे, ये करते थे, अब तो वो प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। अब क्या लगता है वो टेसु का जो आकार था, बड़े बड़े बनते थे, बनते हैं नहीं बनते? अब बनते हैं लेकिन खरीदने वाले नहीं हैं ना, वो मतलब ये बहुत महंगा पड़ता है, 2000-4000 का टेसु बनेगा कौन लेगा, और फिर उसको क्या है मतलब वो चीज़ रही नहीं है पहले जैसा होता था, वो कोई भी त्यौहार नहीं है अब तो, जो सब त्यौहार डाउन होते जा रहे हैं, मतलब कहने का ये।